हेलो दोस्तों, मैं नरेश सुनकुसरे आपका अपना चैनल दर्शील आर्मी पुलिस अकेडमी में स्वागत करता हूँ। आज की तारीख 2 तारीख है दोस्तों। आज बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर्स की तरफ। अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। दोस्तों आज गणेश चतुर्थी है और सारे भक्तों को गणेश चतुर्थी की दर्शील आर्मी पुलिस अकेडमी की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। संघर्ष के मार्ग पर जो वीर चलता है वही इस संसार को बदलता है। जिसने अंधकार मुसीबत खुद से जंग जीती, सूर्य बनकर वही निकलता है। ये चीज़ आपको याद रखना है, एज वेल एज आपको कंटिन्यू अपने टारगेट के पीछे भागते रहना है। आज नहीं तो कल उसे आप अचीव कर ही लेंगे। दोस्तों कल का सवाल था, भारत का पहला कचरा कैफे कहाँ खोला गया है? तो भारत का पहला कचरा कैफे खोला गया है दोस्तों छत्तीसगढ़ अंबिकापुर। अंबिकापुर में भारत का पहला कचरा कैफे खोला गया है जो छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ का भी पहला है जो भारत का। देखो दोस्तों, यहाँ पहला आ जाता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ दोस्तों, आने वाले सभी स्पर्धा परीक्षा कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में ये सारे करंट अफेयर्स आने की संभावना है। तो आप डेली 10 मिनट का समय निकाल के हमारे करंट अफेयर्स को देख लीजिए दोस्तों। तो डस्टबिन मुक्त शहर कचरा कैफे अंबिकापुर छत्तीसगढ़। बढ़ते दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इफ्सोस द्वारा जारी किए गए ग्लोबल हैप्पीनेस सर्वे के हैप्पीनेस इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो कौन सा देश शीर्ष पर है, इसके साथ साथ जो यहाँ ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों भारत, हमें इसकी भी रैंक जानना जरूरी है क्योंकि हम भारत के रहवासी है। तो शीर्ष पर है दोस्तों 2 देश, कैनेडा और ऑस्ट्रेलिया। कैनेडा और ऑस्ट्रेलिया दोस्तों शीर्ष पर है ग्लोबल हैप्पीनेस सर्वे के इंडेक्स अनुसार। तो इफ्सोस के बारे में भी जान लेते हैं। उससे पहले कनाडा और ऑस्ट्रेलिया दोनों शीर्ष पर है, दूसरे स्थान पर ग्रेट ब्रिटेन है और हमारा भारत 9वें स्थान पर है। हमें ये चीज़ का याद रखना है, एज वेल एज इफ्सोस। इफ्सोस क्या है? इफ्सोस एक ग्लोबल मार्केट रिसर्च और कंसल्टिंग फर्म है दोस्तों, जो पूरे दुनिया में फैला हुआ है, जिसकी स्थापना 1975 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर फ्रांस की राजधानी पेरिस में है दोस्तों। इतनी चीज़ें आपको याद रखना है। पेरिस जो सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। हमेशा आर्मी के एग्ज़ाम में ऐसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो पेरिस जो है वो सीन नदी के किनारे बसा हुआ है, हमें इतना याद रखना है। और पेरिस के बारे में एक अभी हाल ही में जो न्यूज़ आ रही है दोस्तों, वो ये है कि विश्व का ये पहला देश बन गया है जिसने गाफा पर टैक्स लगा दिया दोस्तों। ये गाफा का मीनिंग क्या होता है दोस्तों? गाफा का मीनिंग होता है गूगल, एप्पल, फेसबुक एंड अमेजॉन। इन पर फ्रांस ने टैक्स लगा दिया है दोस्तों, और विश्व का ये पहला देश बन गया जिसने गाफा पर टैक्स लगाया। ये फैक्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आपको याद रखना है। और यहाँ के प्रेसिडेंट है एम्यूल मैक्रोन। और एम्यूल मैक्रोन के बारे में बता दोस्तों कि एम्यूल मैक्रोन और नरेंद्र मोदी जी जो हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर है, इन्हें चैंपियन ऑफ द अर्थ इस साल के लिए चुना गया है दोस्तों। ये बात आपको याद रखना है। और एमुल मैक्रोन के बारे में बता दो तो फ्रांस के प्रेसिडेंट है जिन्होंने नेशनल असेंबली की सीटों को 577 से घटाकर 433 कर दिया दोस्तों। 433 433। इतनी फैक्ट आपको फ्रांस के बारे में याद रखना है दोस्तों। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2019 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना को मंजूरी दे दी, तो कितने? हमारा ऑप्शन दोस्तों कितने, ये यहाँ का एक चौथा ऑप्शन था दोस्तों 35, आप यहाँ लिख लीजिएगा, मिस हो चुका है। तो अगस्त 2019 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना को मंजूरी दे दी है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 75। 75 नए मेडिकल कॉलेज को मंजूरी दे दी है। साथ ही साथ 15,700 सीटों को भी बढ़ाया गया है। इतनी बात आपको याद रखना है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नए मेडिकल कॉलेज को मंजूरी दे दी है। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने वित्त वर्ष 2020 के लिए भारत की GDP का वृद्धि अनुमान क्या लगाया है? तो पहले कहा गया था दोस्तों, पहले ये बोला जाता जा रहा था दोस्तों कि 7.3 होगा, 7.3 होगा भारत का वृद्धि दर, पर अब ये बताया जा रहा है दोस्तों कि भारत का वृद्धि दर होगा 6.7, ऑप्शन नंबर बी।
तो इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने वित्त वर्ष 2020 के लिए 6.7 पर भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया है। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस डॉक्यूमेंट्री ने वी केयर फिल्म फेस्टिवल ऑन डिसेबिलिटी इश्यूज पुरस्कार में 30 मिनट की श्रेणी में शीर्ष पुरस्कार हासिल किया है? 30 मिनट की श्रेणी में दोस्तों, और यहाँ पे याद रखना दोस्तों, डिसेबिलिटी डिसेबिलिटी, तो इसका आंसर होगा नोमैड। नोमैड ने दोस्तों फिल्म फेस्टिवल ऑन डिसेबिलिटी इश्यूज पुरस्कार में 30 मिनट की श्रेणी में शीर्ष पुरस्कार जीता है नोमैड्स ने। निम्नलिखित से किस राज्य ने या केंद्र शासित प्रदेश ने 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट हर रविवार डेंगू पर वार अभियान शुरू किया है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जिसका आंसर है नई दिल्ली। नई दिल्ली ने 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट हर रविवार डेंगू पर वार अभियान शुरू किया है। तो नई दिल्ली के बारे में, नई दिल्ली में एक्चुअली पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो चुका है दोस्तों, इसलिए वहाँ के सीएम का नाम है अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने ये प्रोग्राम शुरू किया है डेंगू पर वार 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट हर रविवार। वहाँ के डिप्टी सीएम है दोस्तों मनीष सिसोदिया, और एजुकेशन मिनिस्टर भी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनिल बैजाल, चीफ सेक्रेटरी विजय गुप्ता, कमिश्नर वहाँ के है अमूल्य पटनायक, और पॉपुलेशन जो दिल्ली की वो है 1 करोड़ 60 लाख। डेंसिटी सबसे ज़्यादा दिल्ली में पर किलोमीटर वहाँ पे 11,312 लोग रहते हैं। उसी हिसाब से सबसे कम डेंसिटी अगर कहीं होगी वो है भारत में अरुणाचल प्रदेश में, जहाँ पर किलोमीटर सिर्फ 16 लोग रहते हैं। इतनी चीज़ें आपको याद रखना है दोस्तों। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन थोड़ा, आज का क्वेश्चन दोस्तों, आज का सवाल आप लोगों के लिए, लाइफलाइन एक्सप्रेस का उद्घाटन कहाँ से किया गया है? अगर आपको अगर इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमारे ऑप्शन है राजस्थान, पटना, मुंबई या दिल्ली, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आशा करता हूँ आपको करंट अफेयर पसंद आए होंगे। उसी के साथ दोस्तों, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। शुभ रात्रि दोस्तों।